गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। अमेरिका के संविधान की विशेषताएं में आपने क्या क्या पढ़ा है कि लिखित तथा संक्षिप्त संविधान है। क्या है अमेरिका का संविधान है, वो लिखित है और संक्षिप्त यानी छोटा संविधान है। दूसरा पढ़ा था अपने लौकिक प्रभुसत्ता में विश्वास, ठीक है। और अगला गणतंत्रात्मक शासन, अगला संविधान की सर्वोच्चता, अगला कठोर संविधान, संघात्मक शासन प्रणाली इत्यादि, यानी अपने अनेक प्रकार की विशेषताएं पढ़ी थी अमेरिका के संविधान में। अमेरिका के संविधान में आपने पढ़ा था कि अमेरिका के संविधान के अंदर संशोधन प्रक्रिया है वो किस तरह से की गई है। अमेरिका के संविधान में कितने संशोधन हुए हैं, 27 संशोधन हुए हैं। अमेरिका के संविधान का अनुच्छेद मात्र 7 ही अनुच्छेद है। तो इसलिए अपन जो ये है इसमें क्या अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर यदि संशोधन प्रक्रिया इसकी तुलना की जाए तो किस तरह से इसकी तुलना बताई गई है। अमेरिका के संविधान में संशोधन प्रक्रिया क्या है, जटिल है, यानी आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। ब्रिटेन में संविधान की प्रक्रिया क्या है, लचीली एवं सरल है, यानी अमेरिका के अंदर संविधान की जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, जटिल है, उनको आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन ब्रिटेन के संविधान में देखा जाए तो संशोधन प्रक्रिया क्या, सरल एवं लचीली है, यानी वहाँ पे आसानी से संविधान को परिवर्तन किया जा सकता है। अगला है, अगली इसकी जो तुलनात्मक अध्ययन है वो है अमेरिका में साधारण कानून तथा संविधान संशोधन कानून में अंतर किया जाता है, यानी साधारण कानून और संविधान संशोधन कानून दोनों में अंतर बताया गया है, लेकिन ब्रिटेन में कोई अंतर नहीं किया जाता है। अमेरिका में संशोधन का प्रस्ताव रखने तथा पारित होने के लिए कांग्रेस का बहुमत क्रमशः 2/3 बहुमत एवं राज्य के 3/3 बहुमत द्वारा स्वीकृति होनी चाहिए। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, जिस प्रकार संसद कानून बनाती है उसी प्रकार सामान्य बहुमत से संविधान में भी परिवर्तन कर सकती है, ठीक है ना। अगला है, अमेरिका में संशोधन पारित होने में अनेक वर्षों का समय लग जाता है। इंग्लैंड में संविधान संशोधन अल्पकाल में ही शीघ्र ही पारित किया जा सकता है। यानी ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान के अध्ययन की तुलना की गई है कि अमेरिका के संविधान में किस तरह से संविधान का संशोधन किस तरह से किया जाता है ब्रिटेन में। आगे अमेरिका और स्विट्जरलैंड का बताया गया है कि अमेरिका के संविधान में संशोधन प्रक्रिया क्या, अभी अपने पीछे पड़ी है, जटिल है, और स्विट्जरलैंड में भी क्या है, जटिल ही है, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में पड़ी तो वहाँ क्या है, सरल है, यानी आसानी से परिवर्तन की जा सकती है। अमेरिका के संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार कार्यपालिका को नहीं, केवल अमेरिका कांग्रेस को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव रखने का अधिकार है। लेकिन स्विट्जरलैंड संविधान में क्या है, संशोधन प्रस्तावित करने के विषय में संघ की जनता को तथा संघीय संसद को अधिकार दिया गया है। अमेरिका में संघ की इकाइयों को संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार दिया गया है। स्विट्जरलैंड में राज्यों को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अमेरिका में संशोधन की पुष्टिकरण 3/3 राज्यों की संख्या द्वारा आवश्यक है। स्विट्जरलैंड में पुष्टिकरण बहुसंख्यक के कैंटनों तथा उनकी जनता के बहुमत द्वारा आवश्यक है। अमेरिका में पूर्ण संशोधन की कोई व्यवस्था नहीं है, स्विट्जरलैंड में पूर्ण संशोधन संभव है। यानी इस तरह की जो अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इनकी ही या जो तुलनात्मक अध्ययन बताया गया है ये इस तरह से है कि कौन सा संविधान किस तरह से आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपने ये अमेरिका के संविधान तथा ब्रिटेन तथा स्विट्जरलैंड के संविधान का अध्ययन करके पढ़ा है। अब अपन ने आगे ये भी पढ़ा था कि सरकार के कितने अंग बताए गए थे, 3 अंग बताए गए थे। कौन कौन से थे वो, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। तीनों का शक्ति पृथक्करण किया गया है कि कोई भी एक दूसरे के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा, अपना कार्य स्वतंत्र होके किया जाएगा। लेकिन आगे जब अपन अमेरिका के संविधान को पढ़ रहे हैं तो कई थिंकर्स बोलते हैं कि ऐसा नहीं, यदि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियां दी जाती हैं तो वह उस शक्तियों का क्या करता है, मिसयूज भी करता है। इसलिए इनको यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित किया गया, इसका कौन है, मॉन्टेस्क्यू सिद्धांत का क्या है, विशेष
बल दिया, मॉन्टेस्क्यू ने इस पे विशेष करके बल दिया गया है कि अमेरिका के संविधान, अमेरिका का संविधान बहुत ही जटिल संविधान है। अमेरिका के संविधान का संशोधन मात्र 27 संशोधन हुए हैं और साथ ही अनुच्छेद है, बहुत ही कम पृष्ठ में छपा हुआ संविधान बताया गया है। अमेरिका का संविधान बहुत ही कठोर है, आसानी से उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ब्रिटेन के संविधान की तुलना में अमेरिका का संविधान बहुत ही जटिल है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को अमेरिका के संविधान के सामने क्या बताया गया है कि बहुत ही जटिल है और ये क्या है, बहुत ही छोटा संविधान, संक्षिप्त संविधान माना गया है।